सो टुडे हम आज करने वाले हैं लाइव सेशन विपिन बलोन के साथ, जो कि सिनेमाटोग्राफर और फोटोग्राफर है, और उनका एक पेज भी है जो अच्छा काफी अच्छा चल रहा है। तो वेलकम दोस्तों, हमारे गेस्ट का, चीफ गेस्ट का विपिन बलोनी। कैसा और भाई, क्या हाल है? आवाज आ रही है भाई? मेरी? आवाज आ रही है ना? बस बिल्कुल बिल्कुल, दिल तक पहुंचे भाई। तू कैसा है? भाई, तेरा बस भाई, एकदम बढ़िया है, मजे में एकदम। इंट्रोडक्शन दे रहा था। और बता क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है दिल्ली में तो, बल्कि इंडिया में तो काफी हद तक चल रहा है। तू बता यार, कोरोना तो चल रहा है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी भाई, तेरी दाढ़ी बड़ी खतरनाक लग रही है। अरे भाई, दुकान नहीं खुल रही, क्या करें। हाँ बस यही है यार आजकल तो। और बता, बता क्या कर रहा था? बस भाई, बस मैं बैठा था यार सिस्टम के आगे, बैठे बैठे सुबह की शाम हो जाती है हमारी तो। आर्टिस्टिक लाइफ। हाँ आर्टिस्टिक लाइफ है, बस यही है, कुछ ना लोग कुछ आ रहे करते रहो। हैं, लोग आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड नहीं रहे, आ जाएंगे। इतने थोड़ा लेट हो गया, वरना ज्यादा आ गए। आ जाएंगे धीरे धीरे। तो विपिन बलोनी, कैसे हैं हाँ आप? बस भाई, एकदम बढ़िया, मजे में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब बढ़िया तो नहीं चल रहा, कुछ जाहिर सी बात है, सिचुएशन तो खराब ही चल रही है दिल्ली में, अच्छा। बट ये है कि ठीक है, कुछ ना कुछ यार करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अच्छा, जो कि कुछ ना कुछ करते रहो, सीखते एक्सप्लोर। रहो, भाई वही चल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन चलती रहती है, किताबों से हो या मूवीज से हो या कुछ भी हो, बस यही है आजकल तो। क्यों ना आप हमारी पब्लिक को बताएं अपने बारे में कुछ। बहुत ही बेहताशा बैठी हुई है आपके बारे में जानने अरे भाई, तो अब जैसा नाम से तो पता चली गया होगा, मेरा नाम विपिन बलूनी है, और प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं फोटोग्राफी करता हूँ, और फोटोग्राफी के अलावा कुछ और भी काम है जो कि मैं करता हूँ। जैसे कि मेरी एक कंपनी है किसी एक फ्रेंड के साथ में, मेरे फ्रीविल क्रिएटिव्स नाम है उसका। उसमें हम होटल्स के लिए और रिजॉर्ट्स के लिए शूट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो काफ़ी सारे शूट्स हम कर चुके हैं होटल्स के लिए, तो वो एक काम है जो करता हूँ। और जो मेरा पर्सनल खुद का इंटरेस्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है, पोर्ट्रेट में या डॉक्यूमेंट्री टाइप फोटोग्राफी जो होती है, तो मेरा पर्सनल स्टाइल जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, वो मैं करता हूँ। और बस कुछ पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जिनका मैं एडमिन हूँ, जो कि मैं जिनको मैं पेजेस को रन मैंने कर रहा हूँ। जिस बताया है द पोर्ट्रेट बाजार के बारे में, तू भी बता दे कुछ। अच्छा, पोर्ट्रेट बाजार, यार मतलब ऐसा है कि मैं पहले जब मैं स्टार्ट की थी फोटोग्राफी, तो ये था कि खुद ही शूट करता रहता था, शूट किया, शेयर किया, तो कहीं से मेरे को मतलब ये चीज के बारे में समझ आया कि यार अच्छा रहता है कि अगर हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें अपने, किसी अपना जो भी हमारा आर्टिस्टिक प्रोफेशन है या एंडीवर है उसके रिगार्डिंग, या उसके अराउंड अगर एक कम्युनिटी को अगर हम बिल्डअप करें तो बढ़िया रहता है। तो ये है कि लोगों से सीखने को भी मिलता है, और बहुत सारे जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनके साथ में ना इंटरेक्शन होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वो पेज स्टार्ट किया था 2 या 2.5 साल पहले अराउंड मैंने, द पोर्ट्रेट बाजार। तो उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की, ग्लोबली जो भी मतलब पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स हैं उनका, उनके काम को वहाँ पे फीचर किया जाता है। तो बस वही है, वो चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है। उसमें हो गए 55,000 के अराउंड फॉलोअर्स हो गए हैं, गुड। तो वही है एक पोर्ट्रेट बाजार मेरे तो। कॉलेज के दोस्त का मैसेज कमेंट आ गया, लक्की डॉट म्यूजिक तो देख रहा होगा भाई। हाँ देखा मैंने। सिंगर आदमी है, सिंगर आदमी है, बहुत बेहतरीन अच्छा गाता है कॉलेज का। अच्छा 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 सर क्या कह रहा क्या है क्या क्या नाम था? मैंने लक्की डॉट म्यूजिक लक्की सर कह रहा है, और ये मेरी मजाक मजाक में ले लक्की रहा है। अच्छा लक्की भाई, हेलो भाई, क्या हाल चाल है? बंसल, विपिन सर बिग फैन। हाँ बेटा, मजे में। अजी अरे अरे, डिमांड है भाई आपकी, डिमांड डिमांड है, समझ है रहा हूँ। भाई, क्या बात कर रहा है। तो मतलब ऐसी क्या चीज थी जो तुझे ड्रैग करी फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए? कुछ तो मतलब यार होता है ना, देख, जैसे कि आदमी में अब इंस्पिरेशन वगैरह टाइप होती है। मतलब देख, ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका बहुत लोगों से जब इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, बहुत लोगों के पास में ना बड़े फिलोसॉफिकल आंसर्स होते हैं। मैं तो बचपन से ही ऐसा था, और मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मैं बना ही इसके लिए था। मेरा ऐसा कुछ भी आंसर नहीं है, बड़ा सिंपल सा आंसर है यार, मैं बहुत कुछ करना चाहता था लाइफ में, ठीक है। एक टाइम पे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, एक टाइम पे मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता था, पायलट, इंजीनियर,
सिंगर, मैं सब बनना चाहता था। तो था क्या कि मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत सारे किए, कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था, बहुत जल्दी बोर हो जाता था। फिर कहीं पे मैं जब स्कूल में था, मैं अपना स्कूल कर रहा था, टेंथ के बाद में मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया था, एक साल मैंने इलेवंथ करी, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल मैंने ओपन से पढ़ाई की। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज था वो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था कहीं से, वो भी मैंने एक साल करी, फिर मैंने वो भी छोड़ दी। ठीक है, फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स, फिर ट्वेल्थ कंप्लीट करी ओपन से, फिर जो है अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में कंप्लीट। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अलग अलग चीजें ट्राई करता रहा, चाहे वो फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे अपने काम से रिलेटेड हो। तो फोटोग्राफी बस ये है कि एक तरीके से था, मैंने सोचा फोटोग्राफी करते हैं यार, मतलब मेरे पिताजी को अपने टाइम में बहुत शौक था फोटोग्राफी करने का, उनके पास फिल्म कैमरा होता था प्रीमियर का, तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स मेरे घर में पड़ी हुई है, हम उन्हें देखते रहते थे ऐसी। तो अचानक एक दिन देख रहे थे तो मुझे लगा यार पापा करते तो चलो एक बार करके देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्या पता मतलब इसमें कुछ हो जाए। तो बस वहां से वो मैंने स्टार्ट किया और इतनी सारी चीजें कर करके छोड़ रहा था, फाइनली एक चीज ऐसी मिली जिसको इतने लंबे टाइम से कर ही रहा हूँ, उसको छोड़ा नहीं। तो एक तरीके से अगर इस जवाब, इस सवाल का एक वर्ड में अगर मैं दूं तो ये बस एक्सप्लोरेशन थी मेरी, ऐसा कुछ नहीं था बेसिकली। तो पहुंच गया करते 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 वो एक ऐसी मंजिल तक, तो खैर अभी नहीं बोलूंगा यार कि मंजिल तक पहुंच गया, बट काफी फार है। उस एक मतलब पोजीशन तक, पोजीशन पे पहुंच गया, उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां पे मुझे एग्जैक्टली पता चली है कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट के अंदर आता है ये काम और इसको मैं लंबे टाइम तक कर सकता हूँ। तो एक्सप्लोरेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि सडनली, मतलब वो लोग कहते हैं कि सडनली एकदम हो गया मेरे दिमाग में सपना आया मुझे रात को, अब मेरे सपने में किसी ने बोला मुझे ये करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर करके एक से दो, दो से तीन ऐसे ऐसे पहुंचता रहा बस। तो एक पर्सनल क्वेश्चन, क्या आपने फ्री में काम किया है? फ्री में यार हाँ बहुत बहुत किया है, बहुत किया है। अब मतलब क्या लोग आपके पास आते हैं कि हमारी फोटो खींच दो? अरे बहुत बहुत बहुत, मतलब स्टार्टिंग में तो क्या भाई देख, अब तू भी आर्टिस्ट है, तू भी आर्टिस्ट है, मतलब जो मेरे जो लोग हैं दोस्त हैं वो वीडियो देखेंगे, मैं उनको भी बता दूं कि भाई जो प्रणव है वो लिखता है, पोइट्री लिखता है, राइटर है। नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं, मैं हाँ कोई बात दो तीन शब्द है भाई, इतना, हम कुछ नहीं। इतना इतना मॉडेस्ट और हम्बल मत बनो, जो है वो है। तो अब जैसे एज बीइंग एन आर्टिस्ट भाई तुझे भी इस चीज का अंदाजा होगा, बहुत कोई भी समझ सकता है कि भाई अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट कर दो ना, फ्री आपको करना ही पड़ता है। और स्टार्टिंग में जब मैं फ्री करता था, मैं क्या करता था, तो ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ काम करो आपको, हाँ पार्ट ऑफ योर वर्क है, टैलेंट है, कि भाई आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपना भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको फ्री में काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा एक दिन उठो और बोलो मैं ये करना चाहता हूँ और मैं इतने पैसे चार्ज करूँ और आपका काम देखा जाए तो कुछ भी नहीं, कौन देगा? तो आपको क्रॉस मार दिया जाएगा, क्रॉस मार दिया जाएगा। काफी लोग हैं जो काम करवाते हैं फिर क्रेडिट्स वगैरह भी नहीं देते, तो ये तो भाई ये तो आर्टिस्टिक कैर इंडस्ट्री में चलता ही रहता है यार, ये क्रेडिट्स की जो चोरी और लड़ाई है ना ये चलती रहती है। अरे भाई बहुत है, बहुत, क्योंकि हर हर किसी को एक दूसरे के ऊपर जाना है ना लड़ाई, सारा क्रेडिट हाँ इसी चीज की है कि मुझे ही मिल जाए सारा क्रेडिट, मैंने ही सब कुछ किया है तो वो ज्यादा बेटर। So, being a artist in middle class family is not accepted by family basically. नहीं, middle class में नहीं accept करते हमारे लोग। तो pressure कैसे handle करता है? कि जब तूने बताया होगा घर वालों से, क्योंकि basically middle class में चाहते हैं कि job वॉब करे, पढ़ाई वढ़ाई करे, लग जाए इंसान नौकरी पे। मतलब देख यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये एक हमारा perspective है कि middle class जो families होती है ना, अब गलत हमारे parents भी नहीं होते अगर मैं उस तरीके से देखूं, पेरेंट्स भी गलत नहीं होते क्योंकि उन्होंने भी प्रॉब्लम्स देखी हैं और चीजें देखी होती हैं कि भाई किस तरीके से रियलिटी में लाइफ होती है। और जो यंग बच्चे होते हैं हमारी तरह, जो यंग होते हैं जो हमसे भी छोटे होंगे, वो रहते हैं हवाबाजी में, अपने ही मतलब ख्याल बुन लिए कि हम तो ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा लाइफ में हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो पेरेंट्स जो है हाँ, तो होता नहीं है। तो पेरेंट्स जो होते हैं एक तरीके से रियलिटी चेक के लिए रहते हैं कि भाई ये है, उन्होंने देखा हुआ है, एक टेंशन होती है। तो वो उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तो वो क्या करते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या रहता है ज्यादातर कि भाई एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाए, कोई ऐसा प्रोफेशन या कोई ऐसा कोई जॉब कहीं पे मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, जो कि हमारे यहाँ जब ज्यादा कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, ये तो कहते हैं ना सेटल हो जाएगा बंदा, ये तो सेट हो गया नौकरी के लिए। हाँ तो मिडिल क्लास फैमिलीज में ये चलता ही इसलिए क्योंकि भाई डर बहुत ज्यादा होता है कि कोई सी चीज कर रहे हैं फेल हो गई, बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गए, तो कुछ ऐसा जो कि सिक्योर रहे
और स्टेबल रहे, तो उनका कहना भी ठीक है। बट ये हमारे अंदर होनी चाहिए ये चीज, जो इस आर्टिस्टिक एंडीवर को मतलब एक तरीके से करना चाहते हैं या उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि भाई हम किस तरीके से उस चीज को आगे लेकर के जाते हैं। कि अगर हम सीरियस हैं तो वो सीरियसनेस कुछ टाइम बाद, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद घर वालों को भी हमारे अंदर दिख जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, और फिर आप बैठ करके आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं है, आप काम कर नहीं रहे हो, है ना। और फिर आप जब अपना ही ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि फाइनेंशियल चीजें जरूरी है ना भाई, फाइनेंशियल बहुत जरूरी है, आप है ना, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो उसके बाद आप ये कहो कि यार नहीं मुझे तो करना ही यही है, तो अभी तो चलो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा जब चलो वो भी देना बंद कर देंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, फिर आप कैसे करोगे। तो ये रियलिटी चेक हमारे एज के साथ ये होता जाता है, एज के साथ होता ही है। इसीलिए आप तुम मतलब अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो वो कॉलेज टाइम पे 17-18 वाली एज में जो सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, 24-25 तक आते आते उनके सारे सपने धराशायी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं जॉब करते हुए मिलते हैं, मतलब जो कि उस रियलिटी में अपने आप को सही से फिट नहीं कर पाते, उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो कहीं ना कहीं जॉब करते हुए मिलते हैं। हाँ, वो उनको ही नहीं आती एक्सेप्टेंस, उनको ही नहीं पता कि भाई, क्योंकि फिर ये नहीं है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, पैसे भी तो कमाने हैं, काम भी तो करना है, अपने आप को भी तो सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, पेट भी तो पालना है, जो हाँ वो फेमस लाइन है, पेट भी तो पालना है, कलाकारी तो ठीक है, तो कलाकारी चलती रहेगी, कलाकारी पेट नहीं भरती ऐसा कहते हैं, बट ऐसा मेरे को मिथ लगता है, ये कमाने वाला कमा लेता है। तो अब क्या है ना कि मैं ये मानता हूँ कि एक बैलेंस बना रहना चाहिए, फिर हम किसी प्रोफेशन कोई भी अगर हम आर्टिस्टिक कोई अगर काम कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने अर्निंग सोर्सेस को बनाए, या हो सकता है कि हमें कोई काम एज एन आर्ट फॉर्म अच्छा लगता है करना, तो हम या तो सिर्फ उसे अपने हॉबी के लिए रखें और प्रोफेशन के लिए किसी और काम को करें, कि हमारे को इनकम भी आती रहे और हमारा जो आर्टिस्टिक एंडीवर है उसे हम एज अ हॉबी चला रहे, तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपनी हॉबी को और अपने उस पैशन, अपनी हॉबी को पैशन को प्रोफेशन बनाना जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि पैशन को प्रोफेशन बना दिया, उसके लिए फिर बहुत सारी अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो कि काउंट इन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शामिल होती हैं उसमें। सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने पैशनेट हो, पैशन के साथ साथ आपको और भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी, जो कि आपको आनी चाहिए या जिस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसको अपने पैशन को प्रोफेशन बना पाओगे, वरना वो पैशन जो है ना, वो पैशन भी कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, वो भी बोरियत और वो भी ऐसा हो जाता है। जो दो चीजें तूने बोली है, प्रोफेशनलिज्म एंड हॉबीज की तरह चला सकते हो, तो दोनों को सेम लेवल पे चलाना नॉट एन इजी टास्क, तू तो जानते ही है। सेम लेवल मतलब एज इन कैसे? जैसे कि तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम हॉबी भी कर रहे हो, इंसान के पास जॉब के बाद टाइम कहां बचता है, तो खुद सोच। टाइम नहीं बचता, इसीलिए तो हम उसको हॉबी कहते हैं। हॉबी का मतलब ही ये होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको टाइम कभी मिल रहा है तो आपने बस कर लिया, कि चलो भाई आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आपने संडे को आपको टाइम मिला, अब कितने भी आप थके हुए हो बट आपकी हॉबी है, आप निकले सड़कों पे या कहीं पे भी, आपने फोटोग्राफी कर ली, आपका शौक भी पूरा हो गया ये। बट ये कहना कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बना दूंगा, उसके लिए ना पूरा गेम ही उल्टा हो जाता है, वो तो एक लगा लो कि इट्स अ होल न्यू डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। उसमें आपको बहुत सारी अलग चीज़ों को काउंट इन करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, कंसिडर करने पड़ते हैं। अब बहुत लोग हैं जो कि मतलब जिन्हें कहते हैं ना कि वो अपने ख्याली पुलाव में दिमाग में रहते, वो काउंट नहीं करते इस चीज़ को, और फिर वो सफरिंग होती है कुछ टाइम के बाद कि भाई अब वो भी नहीं कर पा रहे जो करना चाहते थे, और जो करना चाहिए था वो भी नहीं कर सकते, अब ऐसी स्टेज में आ गए हैं। तो फिर वो जहाँ से तुम ना इधर जा पा रहे ना तुम इधर जा पा रहे, तो वहाँ से तुम निकल ही नहीं पाओगे। वो हिंदी में कहावत है फिर कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ धोबी, हाँ ना यहाँ का ना वहाँ का, वो वाला हिसाब किताब है। तो बेटर है कि अगर शुरू से ही हम इस चीज को अगर कंसिडर करके चले कि ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी पैसा जरूरी है, अपना पैशन को फॉलो करना और इन सब चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है अपनी खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, और फिर एक बैलेंस बना करके लाइफ में चला जाए तो वो ज्यादा बेटर है। और सही बात है, मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, हमसे मेरा मतलब है हम यंगस्टर्स, कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो वो कन्विक्शन हमारे अंदर आना चाहिए सबसे पहले कि हाँ हम कर सकते हैं इस चीज को बढ़िया तरीके से। फिर वो धीरे धीरे पेरेंट्स जो है ना सपोर्टिव हो ही जाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे घर वाले भी नहीं थे सपोर्टिव, मेरे घर वाले तो कहते थे ज्यादा ही वो थे ना कि ये मानते थे कि यार लौंडे को हो क्या रहा है, कभी बोलता है ये करना है, कभी ये करना है, कभी स्कूल छोड़ दिया, कभी कॉलेज छोड़ दिया, ये तो कुछ भी नहीं करेगा फिर ऐसे। तो बहुत बड़ी बात है, तुम ये सारी चीजें छोड़ देते हो
घरवाले होता है यार, कुछ ऊपरी चक्कर तो नहीं हो गया तुम्हारे ऊपर? बहुत सारी चीजें हो जाती है ना फिर तो, दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि हो क्या रहा है भाई, तो सब कुछ छोड़ने पे लगा हुआ है। बट मेरा उस टाइम पे था कि मुझे नहीं करना था, तो भाई मेरा नहीं इंटरेस्ट था, तो मैं किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे कोई कह रहा है करने के लिए, या मुझे करना है, करना पड़ेगा, मैं इसलिए नहीं कर सकता किसी काम को, और वो भी इतने लंबे टाइम तक, मैं वो करूंगा जो कि मुझे करना है। फिर उसके लिए आप अपने अपने तरीके, यही है जो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम जाएगा तुम्हारा, तू ये करियर ऑप्शन लगा ले, आर्टिस्टिक लगा ले, लेवल लगा ले, जो भी है। बिल्कुल, अब आर्टिस्टिक बहुत बड़ा वर्ल्ड है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोग हैं, तो मैं ऑडियंस को बताऊंगा कि हमारे जो विपिन बलोनी है ये राइटर भी है, उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इनकी पोइट्री पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी तेरी पोइट्री पढ़ी, अच्छी है। तो तेरा शिफ्ट इंटरेस्ट कैसे हो गया अचानक पोइट्री और राइटिंग से सिनेमेटो फोटोग्राफी को छोड़ के? किसने कमेंट किया ऊपरी चक्कर? सुजाता शर्मा। मिडिल क्लास फैमिली में आम होता है ऊपरी चक्कर। वहाँ ज्यादा ही होता है बाबा बंगाली। ज्यादा बड़ा भाई तू यकीन नहीं करेगा, मेरी पोस्ट पे मैं जब भी पोस्ट करता हूँ एक कोई सा लव स्पेशलिस्ट, अच्छा। भाई वो हमेशा यही कमेंट मारता है, कहीं तो मैंने डिलीट भी कर दिया उसके कि वशीकरण है, तू देख कहीं ना कहीं तुझे उसका कमेंट दिख जाएगा। वो बंदा पहला और पोस्ट डालने के विद इन 5 सेकंड आता है उसका कमेंट। अच्छा अच्छा, पता नहीं भाई क्या उसने कुछ कर रखा है, नहीं कर रखा। अच्छा अच्छा, तो तेरा कैसा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ पोएट्री और राइटिंग की तरफ? यार इंटरेस्ट ना ऐसा कोई शिफ्ट हुआ नहीं मेरा, मेरे को क्या था कि शुरू से ही मतलब ये था कि मेरे को ना, अब मैं कैसे बताऊं, मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप इंसान रहा हूँ, अपने आप में रहना, लोगों को ज्यादा सोशलाइज नहीं करना, अपने आप में रहो, हाँ है ना, वो मैं वैसा रहा हूँ, तू भी वैसा ही है मेरे को पता है। तो क्या है कि अब थोड़ा फिर भी ये चीज चेंज हो गई है, अब मैं फिर भी लोगों में जाता हूँ, बैठता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। पहले बहुत ही खतरनाक लेवल का इंट्रोवर्ट था कि मतलब जाना ही नहीं था यार, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जहाँ चार लोग इकट्ठे हैं मैं उस गली जाऊंगा भी नहीं, मैं वहां मुड़ जाऊंगा अकेले कहीं पे। तो इतनी, हाँ हाँ, तो इतनी सारी चीजें ऐसे अंदर ही अंदर उसमें रह गई ना कि मैं बोलना चाहता भी था तो भी बोल नहीं पाता, ऐसा था अंदर बहुत कुछ चलता रहता था, है ना। अब इंट्रोवर्ट लोगों के साथ में ये होता है कि भले ही बाहर कुछ ना बोले, चुप रहे, लेकिन अंदर साइकोलॉजी के अंदर, इनर साइकोलॉजी में बहुत कुछ चल रहा होता है, अलग अलग चीजों के बारे में। मतलब तुम्हारे इंटरनल में ना, मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, सेम है, तू जाने लग गए लोगों के साथ बैठने लग गए, मैं नहीं बैठता, तो मेरे अंदर वो शोर 24 घंटे चलता रहता है। हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। तो ऐसा ही था कि मतलब बहुत कुछ अंदर चलता रहता था, तो फिर उसको मैं चैनलाइज कैसे करूँ? अब अंदर चलता था तो परेशानी भी होती थी, फिर थॉट चलने पे लगे हुए हैं, वो है ना, लूप चलता रहता थॉट्स का। तो बेटर तरीका मैंने ये सोचा कि मैं तुझे लिखता हूँ उसको। तो पोइट्री मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शेयर करना मैंने अब शुरू किया है, लिखता तो मैं ये लगा ले कि शायद मैं 9th या 10th क्लास से लिख रहा हूँ, मतलब 9th 10th में क्या एज होती है अब मुझे अंदाजा भी नहीं है कि क्या एज। 9th 10th में लगा ले तू 14 साल का। हाँ, तो 9th 10th से मैं जो है लिख रहा हूँ। अब उस टाइम पे मैं पोइट्री नहीं लिखता था क्योंकि पता ही नहीं था ना कि कैसे करना है, क्या होती है। उस टाइम पे बस ये रहता था कि पेज लिया, डायरी पापा से मंगवा ली, तो डायरी में बस ये है कि कुछ भी लिख लिया जो मन में आ रहा है कि आज ऐसा ऐसा हुआ, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सोचा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बोला नहीं, तो मैं वहां लिख देता था। तो उससे क्या होता था, मेरे अंदर से वो चीज बाहर आ जाती थी पेपर पे कि चल यार मैंने शेयर कर दी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मैं पोइट्री मैंने सुनना भी शुरू किया। जैसा कहते हैं ना कि आपका जो आउटपुट होता है, जो आप आउटपुट देते हो, वो बहुत हद तक इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है, आपके दिमाग में जा क्या रहा है, उससे आपका आउटपुट बहुत हद तक वो रहता है, मैच करता है। तो पहले तो ऐसी कुछ भी लिख देता था, ऊट पटांग पोइट्री भी अगर लिखता था, वो वर्स फॉर्म में भी, तुझे तो पता होगा वर्स फॉर्म में जैसे लिखते थे ना पोइट्री, तो ऐसा था कि कोई बिल्कुल मिसमैच, कुछ कहीं कुछ वो नहीं, अंट शंट रैंडम चीजें, है ना। तो पहले ऐसा था, मेरे पे अभी भी डायरी पड़ी है पुरानी, वो पता नहीं कहाँ रद्दी में पड़ी होगी उस टाइम पे, तो जो उस टाइम मैं लिख लेता था। तो पहले ऐसा था, कोई करेक्ट फॉर्मेशन नहीं थी। धीरे धीरे करके सुनना शुरू किया पोइट्री को, या हिंदी में, अंग्रेजी में, तो फिर एक उसका वो पता चला कि हाँ भाई क्या ढंग क्या होता है लिखने का। तो लिख मैं तब से रहा हूँ, सडन कोई ऐसा नहीं है कि मेरा शिफ्ट हो गया उसमें, मैं लिख रहा हूँ। और कोई भी चीज जिससे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ ना, मैं उस चीज को मैंने ट्राई किया ही है, चाहे फिर वो फोटोग्राफी हो, चाहे फिर वो मतलब लिखना हो। अब लिखना वो पोइट्री तुमने मन में आया, तुमने मन नहीं मारा अपना, बेसिकली मन नहीं मारना, चाहे करके देखो, गिर गए तो कोई बात नहीं, करके देख लो,
करके देख लो। और शायद मैंने तेरे से एक बार ही बात कर रहा था इस चीज के रिगार्डिंग, हमारी बात हो रही थी, मैंने तुझे बताया था कि मैं ना जो सोचता नहीं, मेरा जो मन कर जाता है कि करना है तो मैं फट से स्टेप ले लेता हूँ कि भाई मुझे ये कुछ नया स्टार्ट करना है, तो मैं ये नहीं कि मैं बैठ करके सोचूंगा भाई करूँ नहीं करूँ, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। पहले बहुत सोचता था, पहले बहुत था, बट अब वो चीज खत्म। अब मेरे को क्या रहता है कि अगर करना है तो भाई फट से कर डाल, बाद में देखेंगे क्या इसका रिजल्ट आता है, अच्छा होगा बाद में देखेंगे। हाँ, तो पोइट्री के साथ में ऐसा ही है। तो अब भी क्या है कि अभी मैं लिखता हूँ, कभी कभी मैं कम ही लिखता हूँ वैसे तो, अब तो मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ आजकल, बट जो भी लिखता हूँ तो ये है कि कभी खाली बैठा हुआ हूँ तो कुछ मन में आया, कुछ चीज देखी, कोई न्यूज तो खैर मैं सुनता नहीं बहुत कम, बट कहीं पे कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ फील हुआ, या रेट्रोस्पेक्ट में कोई पास्ट की कोई चीज को याद कर रहा हूँ, कुछ भी है तो पेन कॉपी उठा करके लिख दिया, बस ऐसे ही होता है। पेन कॉपी, दैट्स ग्रेट। पेन कॉपी या फोन, पेन वगैरह लिखा ही नहीं जाता मुझे तो, अब तो ऐप निकालो उसमें लिख दो बिल्कुल। हाँ, मैं भी ज्यादा पेन कॉपी का ही, पेन कॉपी का बट आई फील कि तुम्हें ना जब सडन थॉट आता है, कोई भी ख्याल आए तुम्हारे पास, मेरे पास जब भी मुझे ख्याल आए मेरे पास पेन और कॉपी बिल्कुल भी नहीं थी। सही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली। मैं आइदर आई वाज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो, ठीक है, या मैं 971 की बस में लटका हुआ हूँ कहीं, ठीक है, हाथ ऊपर है, लोगों को देख रहा हूँ, या फिर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे ख्याल आते हैं, या तुम ऑटो में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तुम आ गए कहीं, तुम चले गए, तो वहाँ पे पेन कॉपी, अब तुम अगर ऐसी जगह पेन कॉपी खोलोगे ना तो भाई बराबर वाला जरूर देखता है। सही मेट्रो में कितनी बार है, कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, और वहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं, क्या करो। टिकटॉक वालों को भी ऐसी नजर से, टिकटॉक वालों को भी ऐसी नजर से ना देखते हो लोग। सही है, हाँ नहीं ये सही बात है बिल्कुल, मतलब पॉइंट एकदम सही है कि थॉट वो ऐसी ऐसी जगहों पे ही आते हैं, या कभी नहाते हुए आ गया, नहाने जा रखे हो, कोई थॉट आ गया भाई, वो तो ना और वॉशरूम इज द बेस्ट एरिया, वो मतलब बड़ा आर्टिस्टिक जोन ऐसे, वो आर्टिस्टिक जोन ऐसा है ना, वो ना वो बरमूडा ट्रायंगल के लगता नीचे की दुनिया वही है, तो ना वहीं तुम्हें ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं ना, ऐसे ऐसे वहां तुम पेन कॉपी लेकर कहां जाओगे। हां जा नहीं सकते, सही बात है। हाँ ये तो है, तो आजकल एप्लीकेशन बहुत सारी नहीं, तो एप्लीकेशन तो काफी है, मतलब फोन में इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होके आती है पहले से, तुम कुछ भी लिख लो, नहीं लिख लो। हां सही कह रहे, तो लिख लेते हैं। तेरा रिएक्शन क्या था जब तेरी फोटो को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी में आई तेरी फोटो, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, एज वेल एज तेरी फोटो फीचर हो रखी है व्यूबग और फ्लिकर वगैरह पे भी, तो क्या रिएक्शन था तेरा? इट फील्स लाइक यू आर इन द हेवन। मतलब ऐसा था कि पहले तो मुझे यकीन था नहीं, हुआ ही नहीं था। हुआ क्या कि ये इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी जो है ना न्यूयॉर्क में, इनका वो है ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, स्टूडियो जो भी है, क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशन सेंटर है न्यूयॉर्क के अंदर। हाँ, तो उनका कुछ उस टाइम पे ना कुछ किसी कोई हैशटैग उन्होंने निकाला था, उस हैशटैग पे उनके फोटो सबमिशन चल रहे थे एग्जीबिशन के लिए, तो वो कह रहे थे कि इस हैशटैग पे आप अपना जो इमेज शेयर करो और आपको जो है फिर हम देखेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने सबमिट कर दी अपनी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मैंने सबमिट कर दी, मुझे था भी नहीं यकीन खैर होगा क्योंकि इतने सारे लोगों में करना था, तो सडनली पहली बार नहीं हो पाता। हाँ, तो उससे पहले भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में किया था, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं। तो क्या है कि सडनली एक दिन मैं बैठा सिस्टम पे, मैंने मेल आईडी खोली तो मेल आया होता इनकी तरफ से, यही आईसीपी वालों की तरफ से, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी, इनकी तरफ से मेल आया हुआ था कि आपका जो है ये फोटोग्राफ आपकी सिलेक्ट हुई है, तो हम आपको जो है इसके रिगार्डिंग एक और कॉन्फर्मेशन मेल भेजेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, तो इस डेट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे आपका एग्जीबिशन वहां पे लगेगा, आपकी फोटो एग्जीबिशन में सारी फोटोग्राफ्स के साथ में लगाई जाएंगी। तो मेल मैंने भाई मेल पढ़ा, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो, मैंने बोला यार इन्होंने गलत तो नहीं भेज दिया, गलत बंदे को मेल भेज दिया हो, तो मैंने बार बार, हाँ मैं बार बार बैक कर रहा हूँ उसको, और फिर मैंने देखा मैं अपनी ईमेल आईडी चेक कर रहा हूँ, अगर होता है ना ईमेल आईडी राइट हैंड साइड में, मैंने चेक किया, हाँ यार खुली तो मेरी है, किसी कोई और ईमेल आईडी भी नहीं है, मेरी है। तो मैंने दोबारा खोला, मैंने दोबारा पढ़ा, फिर नीचे नाम भी था मेरा बकायदा, विपिन बलोनी ये वो, और जो भी उनका सेंटर के जो हेड थे उनके सिग्नेचर वगैरह बॉटम अप होता है, मुझे फिर यकीन हुआ कि हाँ यार भाई रियलिटी है, तो अंदर उस टाइम पे तो फिर हाँ अपन ही है यार ये, तो मैं ही मुझे ही, हाँ मुझे ही एड्रेस किया गया है, तो फिर तो बड़ा अच्छा लगा, तब पहली बार लाइफ में ऐसा मेरे को फील हुआ।
हाँ हार्ड वर्क पेज ऑफ की जो मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, आर्टिस्ट की बात नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके काम की सराहना होती है, तारीफ की जाती है, हर किसी को अच्छा लगता है, और फिर वो भी अगर इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो जो कि यार इंटरनेशनल सेंटर है वो फोटोग्राफी का, जहाँ पे कि बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड के फोटोग्राफर्स हैं, वहाँ पे अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो फिर मतलब कुछ दिन तक तो मैं मतलब अलग ही नशे में था, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर उनका एक और मेल, हाँ फिर उनका एक और मेल आया, फिर उन्होंने मुझे लिंक्स वगैरह भेजे कुछ कि भाई आप यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ देख सकते हो, और फिर अगर आपको अगर शेयर करना है सोशल मीडिया पे तो वो बकायदा वो देते हैं पूरा टेम्पलेट कि आपको अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना हो तो ये टूल किट वगैरह देते हैं। टूल किट बहुत खतरनाक वर्ड है वैसे भी आजकल तो है ना, कनेक्ट कर लिया। हाँ तो भाई वो उन्होंने दिया, तो फिर मैंने वो शेयर वेयर किया, मतलब अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। व्यू बग और फ्लिकर पे तो एक बार नहीं, वहां पे तो कई बार मेरी फोटोज फीचर हो चुकी है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फोटोग्राफी इज द बिगेस्ट थिंग, मतलब अब वो मतलब अभी तक का मेरा सबसे बड़ा है। हाँ और वो भी वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा है। हाँ वो भी इंडिया से बाहर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा था। फिर उसके बाद में वही देख करके ना मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, कोई पेंटर है रंजन कॉल नाम है उनका, बहुत अच्छे पेंटर है मतलब। हाँ उन फिर उन्होंने भी वो चीज देखी थी, फिर हमारी उस चीज के रिगार्डिंग बात हुई, और फिर उनके साथ में मैंने एक इंटरव्यू किया था, मतलब वो रिटर्न इंटरव्यू था उनके, उन्होंने अपनी उनकी मैगजीन है, कोई ऑनलाइन मैगजीन है आर्ट एमोर नाम से, आर्ट एमोर डॉट कॉम है या डॉट इन है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वहां पे उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू सेशन था, वो वहां पे हुआ था, वो अभी भी है आर्ट एमोर, मैंने हाँ शायद डॉट इन है, हाँ सही कह रहा था, मुझे भी याद नहीं, पढ़ा था आर्ट एमोर डॉट इन है, डॉट इन है ना, डॉट इन है और वहाँ पे आर्ट एमोर डॉट इन में क्वेश्चनेयर जो सेक्शन है ना, क्वेश्चनेयर का सेक्शन है, वहाँ के अंदर जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे एक मेरी फोटो दिख जाएगी, उस पर लिखा हुआ होगा विपिन बलोनी क्लिक ऑफ साइलेंस, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू है, मैं एक बार दिखाता हूँ ना, ये रहा विपिन बलोनी क्लिक ऑफ साइलेंस। हाँ तो ये पूरा मतलब फोटोज फीचर की थी और कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह थे, तो वो इस वाले अवार्ड के बाद में उनको जब पता चला या जो भी हुआ तो उसी से मतलब सब कुछ हुआ था। अच्छा अचीवमेंट है। हाँ मतलब अब थोड़ा मैं मॉडेस्ट तो बनूंगा ना यार अचीवमेंट तो खैर क्या है, मतलब ये है कि अच्छा लगता है, अगर मैं प्लेनली फ्रेंकली बोलूं तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगा मुझे, नहीं अच्छा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छी बात है। हाँ हाँ बढ़िया है, मतलब अच्छा लगता है, दिल खुश हो गया। एडिटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जॉब, बिल्कुल। हाँ और जैसा कि किसी को नहीं पता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस तो बेसिकली तू कलर ब्लाइंडनेस को मैनेज कैसे करता है उस एडिटिंग वर्क में? मुझे पता था तू इसी क्वेश्चन की तरह जाने वाला है, क्योंकि भाई देख फोटोग्राफी लोग आज कोई पूरा नजर का खेल है, क्योंकि आगे जाके जैसे कुछ हो किसी के लिए करे, दे डिमांड कलर फूल वगैरह, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में तू नहीं करेगा, तो उस चीज को तू मैनेज कैसे करता है? यार स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि जब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, तो मैं क्या करता था, मैं मेरे साथ में बहुत हुआ है बहुत ज्यादा, कि मैंने क्या किया, फोटोग्राफ कोई क्लिक करी और मैं आया उसको एडिट करने के लिए, और मैंने उसके सैचुरेशन लेवल एडिट में इतने बढ़ा दिए कि मुझे नॉर्मल लग रहा है, और फिर मैंने किसी और को दिखाया कि यार ये फोटो देखना, तो बोलते हैं पागल हो गया क्या, तो इसकी एडिटिंग देख कलर कितना बढ़ा रखा है, तो मुझे उस टाइम पे समझ ही नहीं आता था, मैं बोलता था यार मुझे कलर कैसे ज्यादा लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब होता क्या था कि मेरे को जो है ना रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, रेड और ग्रीन की, तो उसकी जो शेड्स है कुछ वो मुझे नहीं दिखती, कम दिखती है, तो मैं क्या करता था एडिटिंग में बढ़ा लेता था। बाद में फिर मैंने कुछ ऐसे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, उसको इशारा कलर पैलेट टेस्ट कहते हैं, कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है अगर आप करना चाहो, तो वो मैंने करके देखा, तब मुझे पता चला यार मैं तो कलर ब्लाइंडनेस। फिर एक बार मैं अपना लाइसेंस बनाने गया था, तो पूरा सुबह से शाम तक खड़ा रहा वहां पे, लाइन लगी हुई थी, भेजते हैं कि भाई ये आप टेस्ट दे दो, तो मेरे पीछे काफी सारे लोग थे, तो वहां पे क्या कहते हैं उन्होंने पूछा कौन सा नंबर है बताओ, वो तीन चार ऐसे सर्कल होते हैं, उन सर्कल्स के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, उससे नंबर्स बन रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने बोला यार मजाक कर रहे हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो
उनको भी बड़ा लगा कि भाई पहला केस ऐसा आया होगा शायद उनके पास में उस दिन तो या लंबे टाइम में। तो उन्होंने रिमार्क लिख दिया सी बी कलर ब्लाइंडनेस, गोला बनाया, कहा आप टेस्ट करा लेना एक बार। तो तुझे किस एज में पता लगा कि तुझे कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे तुझे ट्रैफिक वहां गया जब भी पता लगा था 18, 19, 20 या यही एज रही होगी। तो फिर हुआ ये कि फिर मेरे को जब एग्जैक्टली पता चल गया तो फिर मेरे को पता चला कि हाँ वो कलर एडिटिंग एडिटिंग फोटो एडिटिंग करते टाइम मुझे इसी चीज की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मेरा रिएक्शन ये था कि यार मेरे को वैसे भी खैर अगर मेरे को नहीं भी पता था ना तो भी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ही अच्छी लगती थी शुरू से ही। वो मुझे लगती ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अच्छी थी जब मुझे नहीं भी पता था कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तब से अच्छी लगती थी। और फिर इसलिए भी शायद हो सकता है ये कि कलर मुझे नहीं समझ आते थे तो मुझे पसंद भी नहीं आता था कलर वगैरह कुछ, वो भी कारण हो सकता है कि मुझे अच्छी लगती थी। फिर क्या है ना कि फिर क्या मैंने एडिटिंग जब करता था तो मैंने ज्यादातर फिर ब्लैक एंड व्हाइट में ही करना शुरू कर दिया। मैंने यार कलर पे नहीं छेड़ूंगा एटलीस्ट जब तक मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे इस चीज को करेक्ट करूँ, तो मैं जबरदस्ती नहीं इसमें पंगा लूंगा, क्यों अपनी बेइज्जती कराई जाए और काम बिगाड़ा जाए किसी और का। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा पर्सनल जो मैंने अपना बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा जो स्टाइल है फोटोग्राफी का ब्लैक एंड व्हाइट और वो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो मैं समझ आ जाते हैं। पर जो अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल कोई ऐसा शूट आ गया, कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई शूट आ गया ना किसी के लिए काम करना, तो उसमें मैं क्या करता हूँ फ्रीलांसिंग बेसिस में एडिटर्स को दे देता हूँ फोटोग्राफ। मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता हूँ, एडिटिंग में बाहर से करवा लेता हूँ फ्रीलांसिंग बेसिस पे, कि बंदों को बोल दिया कि भाई आप एडिट करके दो तो एटलीस्ट उनकी तो आंखें ठीक ही होंगी तो वो करके दे देंगे मुझे। हायर कर लो भाई, अरे भाई बिल्कुल ये तो मजा आ जाएगा यार। अरे ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में तूने वो देखी है वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री? कोटा फैक्ट्री नहीं देखी यार, मैंने सुना बहुत है मैंने देखी नहीं। आज देख वो पूरी वेब सीरीज ही ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर है। कोटा फैक्ट्री भी टीवीएफ वालों की जो है, टीवीएफ वालों की है। वो जैसे कोटा एक एजुकेशन हब है तो वहाँ तो कि हाँ साइंस साइड वाले ज्यादा जाते हैं, IIT वगैरह वगैरह तो बेसिकली उसके ऊपर है। तो उसकी जो मेन थीम है वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ही शूट हो रखा है। ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा शूट है। अच्छा, पूरा शूट ही उसी में, तो तू देखेगा ना उसे तो ये हो जाता है। ठीक है, तो डन देख देख ये सजेशन है, देख ये रिकमेंडेशन है। पक्का पक्का तूने बोल दिया तो अब तो देखना ही पड़ेगा। अरे 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 नहीं पक्का देखूंगा। अपने पोर्ट्रेट बाजार के बारे में कुछ बताओ, जो तेरा पेज इतना अच्छा चल रहा है तो कैसे तो ये दिमाग में आया है पोर्ट्रेट बाजार अचानक से, कैसे तू यार खोला? मैं बताता हूँ हो क्या रहा था ना, स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं जैसे बताया कि काम करते थे इंस्टाग्राम पे शेयर करते थे तो बहुत सारे लोगों तक रीच पहुंच नहीं रही थी। तो यार अब मेरे को था कि यार मैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे करूं जिनका जिनका काम मुझे अच्छा लगता है या जिनसे मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई चांस थे नहीं कि मैं तक पहुंच सकूं। फिर क्या हुआ कि मैंने जो है ऐसे ही दिमाग में आइडिया, मैंने एक पेज बनाता हूँ यार अपना जो मेरा इंटरेस्ट का जो सेक्टर है जिसमें मेरा कोई मुझे इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग एक पेज बनाता हूँ और उसमें जो है ना और फोटोग्राफर्स की फोटोज को भी शेयर करूंगा और खुद अपना काम भी शेयर करूंगा। तो उससे क्या है कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है यार, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि ये नहीं कि आप अपने में ही करने पे लगे हुए हो तो ठीक है आप अकेले अकेले करते रहो वो भी ठीक है, बट कम्युनिटी बिल्ड करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो फिर मेरे को वहां से एक ऐसी आइडिया आया कि मैं शुरू करता हूँ पोर्ट्रेट, मेरे को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पसंद थी, मैं पोर्ट्रेट बाजार स्टार्ट करता हूँ, नाम सोचा पेज बना लिया। तो बस वहीं से ये आइडिया आया था कि कम्युनिटी बनाऊंगा, फिर उससे ये करूंगा कि भाई लोग बहुत सारे फोटोग्राफर्स उसमें एडिट होंगे तो उनसे बातचीत करता रहूंगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब मुझे तो खैर उस टाइम पे कुछ ऐसा आता भी नहीं था कि मैं किसी को सिखा सकूं, तो मेरे को यही था कि मुझे सीखने को मिलेगा लोगों के काम को देख करके, उनको पूछूंगा सवाल वगैरह। तो वो स्टार्ट किया था, फिर उस टाइम पे ये लगा ले कि साल 1.5 साल तक वो पेज चला तो उसमें कुछ कुछ फॉलोअर्स या कुछ भी इंट्रैक्शन कुछ नहीं था, एंगेजमेंट जीरो एकदम। फोटोज डालता था कोई फॉलोअर्स नहीं आ रहा था, कोई एंगेजमेंट नहीं था। जैसे ही इस साल लॉकडाउन लगा था, इस साल नहीं खैर अभी भी बताओ ऐसा लग रहा है, ये साल अभी भी ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम के जैसा सेम ही है लॉकडाउन तो। हाँ, तो पिछले साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में शायद आई गेस हुआ था,
तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे ही 23। हाँ अब यार एग्जैक्टली पूरा मतलब याद भी है तेरे को तो डेट सही था। डेट बेसिकली डेट नहीं बोल पाता मैं तुझे, जैसे नाम के पीछे मुझे, मैं भी तुझे विपिन के नाम से नहीं जानता, तुझे बलोनी के नाम से जानता हूँ। सोच मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है, सर नेम का इशू है सर। होता है होता है। कंटिन्यू कर ना। हाँ तो क्या बता रहा था मैं, तो वो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब से उस पेज में मतलब ज्यादा इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, एंगेजमेंट आना शुरू हो गया। तो लॉकडाउन के बाद से वो पेज बहुत मतलब ड्रास्टिकली ऊपर गया है। मुझे भी नहीं यकीन था ऐसे कैसे जाएगा और इतनी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने लगे उसमें। तो डेढ़ साल में लगभग 1500-2000 फॉलोअर्स थे उस पेज में, इतने ही लोग थे। लास्ट ईयर 2020 20 में मार्च के बाद से उसमें फॉलोअर्स आना शुरू हुए और अभी लगा ले 2021 पांचवा महीना चल रहा है, 55,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो पेज अच्छा चल रहा है। तो अब ये बहुत सारे लोग जो है अपना फोटोग्राफ्स शेयर करते रहते हैं उसमें, तो फीचरिंग होती है फोटोग्राफ्स की। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ क्या हुई है, जब मैं खुद अकेले में फोटोग्राफी कर रहा था ना, खुद से ही बस अपने पेज पे डालता था जो, तो मैं कुछ पेजेस पे सबमिट करता था अपनी फोटोग्राफ्स कि यार वो मेरी फोटोग्राफ को मतलब फीचर करते हैं, शेयर करते हैं, और मतलब उनके मैसेजेस भी नहीं आते थे मुझे, रिवर्ट बैक कुछ नहीं जो वो पेजेस थे। अब क्या है कि जब से वो पेजेस वो पेज मैंने बनाया है, उसके बाद उन पेजेस के साथ में मैं ग्रुप में एडिट हूँ बहुत सारों में, और मेरी रेगुलर उनसे बातचीत चलती है। तो ये कम्युनिटी बनाने का एक बेनिफिट होता है कि आप अकेले सिंगल चल रहे हो, नहीं आपको इतना कुछ, जब तक कि आप बहुत बड़े नहीं हो जाते कि आपकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हाँ, बता बता। मेरे हिसाब से ये होता है कि आर्टिस्ट बहुत है ठीक है, पर हर किसी का काम बहुत अलग है, क्योंकि सोच अलग है, इमेजिनेशन लेवल बहुत अलग है। तेरा तेरे उसमें, मेरा मेरी फील्ड में इमेजिनेशन लेवल अलग है, गला घाट घोड़ा सब है ठीक है। ऐसे जो तू कह रहा है मेरे पास भी आते थे, मेरे पास भी, मैं भी सोचता था पहले, मैंने पता नहीं कितनों को मैसेज डाला। लेकिन जब तुम्हारा काम चलता है ना, कि जब तुम्हारा काम अच्छा होता है, जब तुम्हें लोग पसंद आ जाता है, तो वो सामने से आने में टाइम नहीं लगाते। मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये तो है, ये मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। हालांकि आजकल राइटिंग पे तो लोग कितना, राइटिंग क्या काम लोग दूसरे का लेने में चुराने में तो खैर एक्सपर्ट है। तेरे साथ तो खैर काफी बार, मेरे साथ तो खैर छोड़, तुम तो भुक्त भोगी हो है। हम तो दिल जले हैं, हम तो हमारे तो पता नहीं कितनी बार हो चुका है, पर ठीक है, इसलिए होता है, चल कंटिन्यू कर। तो मतलब ऐसे ही था वो पेज बनाया, फिर ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, कम्युनिटी है। तो अब काफी सारे जो मैं जैसे बताया वो पेजेस हैं, बड़े बड़े पेजेस थे, तो अब उनके साथ में एक रेगुलर इंटरेक्शन होता है, ग्रुप्स में एडिट है तो बातचीत होती रहती है क्या फोटोग्राफी में कैसे चल रहा है। और फिर काफी सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है मैसेजेस में वगैरह में। आगे लाइव सेशंस बहुत सारे उसमें भी करने का सोच रहा हूँ कि फोटोग्राफर्स को बुलाया जाए और उनका इंटरव्यू टाइप डेवलप सही हो जाती है जब तुम अपने सेम माइंड के बंदों के साथ, लोगों के साथ मिलते हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल वगैरह हो, तुम्हारी सोच होती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट के लिए लोगों से मिलना बहुत खतरनाक चीज है ठीक है, बहुत खतरनाक है। हाँ सही बोल रहा है। जैसे मैं हूँ हाउस अरेस्ट चलता है मेरा, तो मुझे पता है ठीक है, मेरा तो हाउस अरेस्ट है, मेरा नहीं है। तो उनसे अगर तुम सेम माइंड के लेवल के साथ लोगों से मिलते हुए, हम ऊपर नीचे जो भी होता, तो तुम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेते हो, बातों में बातचीत में वगैरह वगैरह। हाँ एग्जैक्टली, तो अलग है, वो अलग है। ये मयंक बल्ला, हाई सर बिग फैन हार्ट, ये भी राइटर है, राइटर भाई है, ये भी स्वाद ले रहा है जिंदगी का, और अब उसे स्वाद नहीं मिल रहा होगा लॉकडाउन से, मेरे से स्वाद ले रहा है। तो एक सजेशन दे जो तू हर आर्टिस्ट को देना चाहता है, किसी भी फील्ड का हो, डजंट मैटर, कि बस एक सजेशन कि उसे ये फॉलो हो या नहीं, नहीं कुछ भी ऐसी चीज क्या देगा? यार सजेशन देना ना वैसे तो मेरे को बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज चल बता देता हूँ कि जैसे मैं एक चीज जरूर मानता हूँ कि मैं कोई ऐसा बंदा हूं नहीं अभी कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, बता सकूं, पहली बात तो ये। अब आते हैं बात पे, अगर मेरे को कुछ बताना हो, अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना हो, तो भाई मैं ये कहूँगा कि एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, एक्सप्लोर करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि हम क्या होता है क्रिएटिव फील्ड में, क्या होता है ना, हम सबने अपनी अपनी फील्ड्स चुन ली, जैसे कोई राइटर है, कोई पोइट है, कोई फोटोग्राफर है, सिनेमाटोग्राफर है, म्यूजिशियन है,
पेंटिंग कर रहा है पेंटर है, तो हम क्या करते हैं ना उसी चीज के साथ में जुड़े हुए रहते हैं बस कि अब हम यही करेंगे, हमें यही करना है, और इससे बाहर हम उस बबल से बाहर ना हम जाते ही नहीं है जो हम बबल बना लेते हैं अपने लिए। एक चीज जो हाँ तो एक चीज जो मैंने करी ना वो ये कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आप हर जगह से लो, बेशक आप फोटोग्राफर हो, बट ये जरूरी नहीं कि आपको इंस्पिरेशन फोटोग्राफी से ही आएगी या किसी फोटोग्राफर से ही आएगी। भले ही ऐसा हो सकता है आप कोई मूवी देख रहे हो, अब उसमें जो फिल्म डायरेक्टर का काम है या एक्टर का काम है या सिनेमेटोग्राफर का काम है वो आपको इतना खतरनाक लग गया कि आपको सडन इंस्पिरेशन आ गया कि यार मतलब कैसा बढ़िया काम है, मेरे को भी मतलब कुछ अलग सा करना है। या आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई पोइट्री सुनी, वो आपको उससे कुछ हिंट मिल गया अचानक से। जैसे मेरे साथ में बहुत होता है, जैसे मान ले मैं एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ, मैं हूँ फोटोग्राफर प्रोफेशनली, अगर कही जाए प्रोफेशनल भाषा में अगर बोलूं तो पेशे से तो मैं फोटोग्राफर ही हूँ, ठीक है ना। बट मैं जितनी चीजें देखता हूँ, मैं किताबें भी पढ़ लेता हूँ, इंटरेस्ट है मेरा, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, ठीक है ना, फिर मैं कहूँ कि पोइट्री में मेरा इंटरेस्ट है, पोइट्री पढ़ने में, पोइट्री सुनने में, देखने में, ठीक है। बिग फैन ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। हाँ, क्रिस्टोफर नोलन, बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज मुझे बहुत पसंद लगती है, अच्छी लगती है। तो अब वहां से इंस्पिरेशन कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कि मैंने किसी की पोइट्री मैंने पढ़ी या सुनी, अब वो पोइट्री इस हद, क्योंकि आर्टिस्टिक स्किल क्या होती है ना कि आप अपने अंदर के जो आप फील कर रहे हो उसको जितना बेटर तरीके से आप अपने बाहर ला करके रियलिटी के धरातल पे जितने अच्छे तरीके से आप उसको पटक पाओगे उतने अच्छे तरीके से सामने वाले तक वो डिलीवर हो जाएगी। अगर आप मकारी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, सच्चाई आपके अंदर वो नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, आप सिर्फ बनावटी कर रहे हो, तो वो हर्ट टू हर्ट वाली फीलिंग नहीं आती। बट अगर किसी ने दिल से कोई चीज लिखी है और वो चीज फिर टच कर गई है तो वो वर्डिंग्स आपको भी टच हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है जो मैं बता रहा था एक्चुअल में कि मैंने कोई पोइट्री पढ़ी तो वो पोइट्री के वर्ड्स या उस पोइट्री की जो थीम है वो ऐसी थी कि मुझे उस पोइट्री ने ना अपने किसी पास्ट मेमोरी में जाने में मजबूर कर दिया कि जब मैं पहाड़ों में बैठा हुआ था, एक दिन नदी किनारे बैठा हुआ था कहीं पे। एंट्री इन द पास्ट इज द डेडलीस्ट थिंग, क्योंकि वहां जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ खुद में, एंट्री इन द पास्ट द डेडली, वो नहीं होता जख्मों को नाखून बना देना कि वो दर्द करता रहे, उस चीज के अभाव से इतना परेशान हो जाओगे ना कि तू छोड़ दोगे। सही बता रहा हूँ तुम्हें, कभी कभी हो जाता है अंदर से। नहीं बिल्कुल परेशान होंगे, लेकिन ये है कि जिस दिन आपने मजे लेना शुरू कर दिए ना उसके भी, फिर वहां से एक तरीके से मतलब बहुत कुछ ले सकते हो आप, उठा सकते हो। वो निर्वाणा वाला लेवल है, वो अलग लेवल है, वो अचीव करने में तुम्हें सालों साल लग जाएंगे। हाँ वो अलग लेवल है। तो अब क्या होता है कि जैसे मैं जो बता रहा था एग्जाम्पल की पोइट्री कोई पढ़ी किसी की, गुलजार की पोइट्री, गुलजार साहब हाँ, तो कोई पोइट्री पढ़ी सडनली या कोई गाना सुना उन्हीं का कोई लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना गाना सुना, एक गाना है, मैं कौन सा एक गाना है, मैं बहुत सुनता रहता हूँ उसे यार, तो जब मैं बताता उससे नाराज नहीं जिंदगी, नहीं 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 दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है, हाँ हाँ वो गुलजार ने ही लिखा हुआ है और गाया भूपिंदर करके कोई सिंगर थे पुराने, वो गाना जैसे सुना तो कई क्या होता है ना कि वो मेमोरी में चले गए। तो वो जो मोटिवेशन आपको अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं मिल रही थी, आप अभी खाली थे, आपका दिमाग नहीं लग रहा था, आपने सडनली वो गाना सुना, आप पीछे गए किसी अपनी मेमोरी में और आपने वो एग्जाम वो अपने मतलब उस दृश्य को दोबारा से देखा, यार आप पहाड़ों में थे और ऐसा ऐसा था और कुछ कुछ भी इंस्पिरेशन आपको फॉर एग्जाम्पल आ गई, वहां से आपको इंस्पिरेशन आ गई, आप अपने आप को मोटिवेट आपने कर दिया और अब आप दोबारा से अलाइन हो गए अब अपने काम के साथ दोबारा। तो एक जो सबसे बड़ी सलाह वो ये रही है कि चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, अपनी फील्ड में रहो वो तो अच्छी चीज है, बट इंस्पिरेशन का एक ना वो होता है, क्रिएटिविटी में कहा जाता है कि क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी आ जाती है, कभी भी आ जाती है, किसी कभी भी कहीं से भी कूदते काटते तुम्हारे पास आ जाएगी, कूदते काटते सोचने का तरीका, परसेप्शन, वो एक तरीका ही तुम्हारा आर्टिस्टिक लेवल पे अलग ही होता है। किसी ने कमेंट लिखा है भूतकाल का द्वार बहुत शोर मचाता है, ये हमारे प्राइम ऑडियंस है, ये लिखती है तो मैं पढ़ता रहता हूँ पोस्ट सुजाता के,
तो अच्छा लेती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपना शेयरिंग का वो बंद किया हुआ है, जो इंस्टाग्राम पे शेयर का ऑप्शन होता है ना, तो स्क्रीनशॉट खींच के भेज दियो। हाँ नहीं तो क्या होता है, कई बार मेरा मन करता है कि मैं उसको शेयर करूँ अपनी स्टोरी पे, लेकिन वहाँ ऑप्शन ही नहीं आता। मैं बोलने भी वाला था उनको, मैं भूल गया था बताना। मैं काफी लोग होते हैं जो अपने लिए लिखते हैं जो नहीं आना दे देना चाहते। हाँ हो सकता है, पहले मैं भी था, लेकिन फिर वही है चलते चलो। जब तूने गुलजार साहब की बात की तो एक फेमस कोट है, मुझे नहीं पता तूने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, कि अहम ने वहम पाल रखा है कि अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवा उसी ने संभाल रखा है। बहुत फेमस कोट लगता है भाई, मतलब वाह वाह वाह, समझ गया मैं। अहम मतलब लगता है, अहंकार और वहम का सारा खेल है, तुम्हारे को तुम इसको लेके कहीं भी जा सकते हो। सही बात, तो कोई फ्यूचर के प्लान आगे कैसे बढ़ना है? वुड लाइक टू प्रोसीड। रुक रुक रुक, पहले मैं वही चीज, पहले मैं उसी चीज पे आऊंगा कि आर्टिस्ट किस पे, लोगों को अगर कोई चीज शेयर करनी हो तो पहली चीज तो यही थी कि अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन उठाओ। अरे नहीं चीज़ कमेंट पढ़ ले भाई पहले। अरे नहीं विपिन मेरा दूसरा पेज है। अरे क्या विपिन बलोनी आप जानते नहीं है। अरे नहीं विपिन मेरा दूसरा पेज है। अच्छा अच्छा, मतलब ये पर्सन उस पर भी करते हैं तो उस पर शेयर नहीं कर पाता मैं, तो दूसरे पेज पे शायद वो करती होंगी, वो पब्लिक पेज होगा। अच्छा आपको शेयर करना पड़ेगा। चलो मतलब मुझे पता चल गया, मैं शेयर जरूर करूंगा। तो मतलब उस पॉइंट पे आते हैं वापस, तो पहला तो यही कि अलग अलग चीजों से इंस्पिरेशन लो, चीजें एक्सप्लोर करते रहो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिकल एडवाइस जिसको मैं कहूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, वो ये है कि भले ही आप आर्टिस्ट हो लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी के टच में रहना चाहिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं तो सिर्फ हमारी आर्ट हमको बचा लेगी या हमको आगे लेकर के चलेगी, बट सबसे बड़ी जो सीख मैंने भी सीखी थी किसी से वो ये कि जब अपने पैशन को आप प्रोफेशन बनाने की तरफ चलते हो ना, तो उस पैशन के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है। बहुत से स्किल सेट है जो आपको सीखने पड़ते हैं अलग से अपने पैशन को जगाए रखने के लिए, अपने पैशन को मतलब कैरी ऑन करने के लिए मैं ये कहूँगा। तो वो जो पैशन की जो एक लॉ होती है ना, ज्योति लॉ, उसको जला करके रखने के लिए आपको जैसे हाथ लगाना पड़ता है, बहुत सारे हाथ चाहिए कि वो बचा के रख सको आप। एक हाथ होता है किसी एक स्किल का, दूसरा होता है किसी एक स्किल का, तीसरा किसी और का, तो बहुत सारे हाथ मिल करके तब वो लॉ बची रहती है। तो एक ही बचाना ही हार्ड है। हाँ बचाना ही हार्ड है, क्योंकि तूफान तो एक, अगर तुम फ्रीलांसिंग है तुमने स्टार्ट करा, तूफान आके तुम्हारी लोगों को कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। और उसमें फ्रीलांसिंग में तो यही होता है ज्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे, क्योंकि प्रोफेशंस में है अपने अलग अलग, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं करते, कोई स्किल सेट डेवलप नहीं करी, तो इसकी वजह से होगा क्या ना, उनको लगता है कि यार मेरा तो इसमें, मेरा इसमें पैशन है, मेरे को तो सिर्फ यही करना है, तो मैं बाकी चीज क्यों करूं यार, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि वो इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर आपने अपने पैशन के साथ साथ में और बाकी चीजें जो जरूरी है उसके उसके साथ इनलाइन है वो नहीं सीखी ना, तो आपका पैशन भी बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत लंबे टाइम तक टिका नहीं रहेगा अगर प्रैक्टिकली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो। और वैसे भी आज के सिनेरियो में, अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में जब देखा जाए, तो पहले तो चलो ये था कि आप किसी चीज में अच्छे हो, आपने कुछ शेयर किया, आप में टैलेंट है, आप आगे पहुंच गए। आज क्या है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हो गया जब से नेट का एडवेंट हुआ, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का, कि आपको अपने स्किल के साथ साथ और बाकी एडेड स्किल्स आनी जरूरी है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना काम करते हो और आपको कुछ और आता नहीं है, आपको खदेड़ के रख दिया जाएगा, आप बिल्कुल आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपके पास रियल टैलेंट है तो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जो भी तुम एक सडन लेवल देखते हो, बहुत चीजों को तुम्हें नोचना पड़ेगा, नोच नोच के होते तुम पेड़ के ऊपर चल रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि तू एक, जैसे तू और मैं है, एक आर्टिस्ट है, हम समझते हैं आर्टिस्ट लेवल पे, वी आर नॉट अ कंटेंट वीडियो क्रिएटर एंड ऑल दिस, तू समझता चीज जो मैं किस टाइम में कहां ले जाना चाहिए, ठीक है, कुछ जैसे टेक ऑफ कुछ कर लिया ही कर लिया, वो हमसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता मुझे नहीं पता। इवन मैं इंस्टाग्राम पे रील्स अपने फेस की नहीं डालता, मैं काफी दिन से सोचता हूँ, साल दो साल सोचा जब जाके मैंने एक डाली। अच्छा, सोच में सोच नहीं जा पाती कि तुम उसको करके वहां जाओगे,
बेसिकली इफ यू आर एन आर्टिस्ट, अब जैसे मैं हूँ, मैं लिखता हूँ ठीक है, तूने मुझे बताया इसके साथ साथ एडिटिंग भी जरूरी है क्योंकि तुम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तुम डिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, रहेंगे जब तक। अगर तुम किसी के ऊपर रिलाई या डिपेंडेंट कर दिए, इसके ऊपर भी एक कोट था, पीठ पे पीठ पे लगे खंजरों को गिना मैंने, पीठ पे लगे खंजरों को गिना मैंने तो ठीक उतने ही थे जितनों से गले मिला था। तो एक मेरा दोस्त है देवांश शर्मा, ही उसने लिखा था, तो ये मुझे बड़ा सॉलिड लगता है। तो खतरनाक वो वाली हाल, अल्टीमेट खतरनाक। हाँ। तो वो है कि तुम रिलाई नहीं कर सकते, तो तू तो जानते ही है, कह रहा तुझे। तो मतलब हाँ, फिर वही जो तू बोल रहा है कि मैंने तेरे से भी ये चीज शेयर की थी जब हम एक बार बात कर रहे थे बैठ के, भाई अलग अलग स्किल को सीखना जरूरी है। अब एक तो है कि आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो यार, कितना भी अच्छा दोस्त हो, आप एक हद तक ही उसके ऊपर डिपेंड रहोगे ना। और अगर वो भी अगर आपका सही में दोस्त है ना, तो वो आपको आजाद करने की बातें ही करेगा, वो आपको बंधन में डालने की बातें नहीं आपको बताएगा कि यार कोई नहीं मैं हूं ना, मुझे दे दियो काम, मैं कर लूंगा तेरा। तो इससे तो फिर मैं सामने वाले को डिपेंडेंट ही बना रहा हूँ ना अपने ऊपर, डिपेंडेंसी तो क्रिएट कर रहा हूँ उसकी, अब उसको मेरी जरूरत पड़ेगी। बटकि जबकि जबकि सबसे ज्यादा बेटर ये रहता कि मैं सामने वाले को बोल दूं भाई ये चीज है ऐसे ऐसे करके सीखी जा सकती है, तो सामने वाले को अपने आप ही आ जाएगा, तो उसकी मेरे पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी है अलग अलग स्किल सेट को सीखना, और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो दो दोस्त हैं, देख तू मान सही है, तू आजाद होना चाहिए दोस्त तुम्हारा। अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे दोस्त तो नहीं भाई जैसा है, तो अगर तुम दोनों मिलकर कुछ काम करते हो तो उसको ग्रो होने का, मतलब विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट, तुम दोनों एक साथ मिलके पर्सनल इंटरेस्ट से काम करते हो दूसरे की ग्रोथ के लिए, तो भाई वो अलग लेवल का है। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जब वो चीज आ जाती है तो तुम्हें डिपेंडेंसी, अगर तुम्हें पता चलता है डिपेंडेंसी है तो तुम उसे खत्म करने की सोचते हो, मेजरली जो मुझे लगता है। और ऐसी सबसे ज्यादा ऐसी कंडीशन में सफर ही वही करेगा जिसकी डिपेंडेंसी सामने वाले पे बहुत ज्यादा थी। डिपेंड, हाँ, क्योंकि तुम सोचते हो कि वो मुझे बंदा कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और मतलब ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, ख्यालों में याद रखना, ख्यालों में याद रखना, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमंस के जो मतलब वो है ना तरीके काम कर रहे हैं, उनको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। अरे ये छोड़ के थोड़ी ना जाएगा, ये तो बिल्कुल मेरा मित्र, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मेरे तो पास के कितने मित्रों ने गए भाई, ह्यूमन कितने हैं भाई, वो तो इंसानों से नहीं जानवरों से लगाव हो गया। हाँ लोग ही ऐसे भाई, क्या ये होता ही है यार, ये होता ही है। तो फिर तभी तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा सबसे बड़ी जो मेन जो मेरा पॉइंट रहता है ना, प्रेशरिंग पॉइंट जिसको मैं बताता हूँ कि भाई ये चीज आप कर लो, वो यही रहता है कि स्किल सेट सीखो आप जितने हो सके खाली टाइम में। यार आजकल तो जैसे लॉकडाउन लगा है, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल से लॉकडाउन था, जैसे सब घर में बैठे हुए थे, अब कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया और एक नहीं मैं कह रहा हूँ पांच पांच दस दस स्किल सेट सीख लिया अलग अलग। किसी को अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता था, वो फोटोग्राफी करता होगा, लिखना नहीं आता, उसने लिखना सीख लिया। किसी को बोलना नहीं आता, उसने बोलना सीख लिया, कोई कोर्स कर लिया किसी चीज का, एडिटिंग का सीख लिया। हार्डली केसेस होंगे जिन्होंने एक्सप्लोर करा होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ एग्जैक्टली। और बाकी सारे ऐसे होंगे कि चलो यार लॉकडाउन चल रहा है, मजे की जिंदगी, छोड़ो ना क्या करना है, ठीक है भाई। फिर अब जब आप देखोगे तो एक साल, एक साल बाद जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक साल पहले मैं भी उसी सिचुएशन में था, बाकी मेरे आसपास के जो कंटेम्प्रेरीज थे उसी सिचुएशन में थे, सडनली पता चला यार वो इतने स्किल्ड बन गए कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना तेज एक्सेलरेशन उन्होंने किया कि वो कहाँ पहुंच गया, मैं अभी भी वहीं पे हूँ। तो वो इसी नेचर की वजह से हो यार, जब खाली टाइम तो आप स्किल सेट बढ़ाओ ना अपना। अब मैं बोलता हूँ यार कोई भी आप आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करते हो, लिखते हो, मैं कह रहा हूँ एडिटिंग जो है ना आज के टाइम पे बहुत खतरनाक लेवल की स्किल सेट है। एडिटिंग इज क्वाइट बेसिक थिंग लगती है मुझे, जो तुम्हें आर्टिस्टिक माइंड में जो आएगी बेसिकली, तुम्हें यूट्यूब पे डालना है, तुम्हें एडिट करनी पड़ेगी जब भी तुम डालोगे, एडिट करनी पड़ेगी। कोई रो वीडियो नहीं है जो तुम नहीं डालोगे, ऐसा नहीं फट से डाल दे। यूट्यूब बड़े चैनल्स हैं ठीक है, वो सारी अपने आप ही करते हैं, मुझे बाद में पता लगा ठीक है। हाँ तुम एक लेवल पे ग्रो कर गए तो तुम्हारे साथ कारवा जरूर जुड़ जाएगा पीछे का, वो अलग लेवल नहीं है कि तुम बेसिक लेवल पे अगर तुम्हारे साथ कोई बंदा जुड़ जाए और जो तुमसे कहे कि भाई तू कल लाइफ टाइम मैं हूँ, ये वो नहीं मिलता, वो नहीं ठीक है, वो मैं नहीं मिलता।
ठीक है, और अगर मेल भी किया तो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा एक्चुअली, उनका ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, वो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। और जो रही बात समय की, तो मैंने कोट इसका एक कोट लिखा था मैंने, कि मैं समय से समय मांगता रहता हूँ, कि मैं समय से समय मांगता रहता हूँ और वो समय है जो मुझे आजकल में टालता रहता है। अरे पूरा ये दो लाइन थी इसकी, चार मतलब प्रॉपर तो चार थी, पर मैंने दो ही मुझे याद ही नहीं। तो एक टाइम था तो होती है चीजें, मतलब ये बेसिक है, ये तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना तुम भाई साहब अच्छा चलो टाटा भाएगा करनी पड़ेगी। हाँ, जरूरी है, फ्यूचर भी है बहुत। फ्यूचर प्लान्स भाई कोई आगे कैसे प्रोसीड करेगा? फ्यूचर प्लान्स यार आजकल मेरा सारा जितना मतलब मेरा जो ज्यादा ध्यान है ना वो अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट हो गया या इंटरव्यूज हो गए या और लोगों से बातचीत करना। मैं पॉडकास्ट में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है अभी फिलहाल, यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट बना रहे हैं। फोटोग्राफी भी इतनी खैर आजकल तो लॉकडाउन तो हो भी नहीं रही है, तो मेन जो ध्यान है वो वही अपने जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे फीचरिंग पेजेस जो है उनमें ऑडियंस को ग्रो करते रहना, और फिर वहां से वहां पे भी इंटरव्यूज वगैरह लेना और लोगों से मतलब बातचीत करते रहना, कंटेंट प्रोड्यूस करना बेसिकली यूट्यूब के लिए। तो फ्यूचर के तो बस यही प्लान था, बाकी देखो क्या होता है। चलता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, बैठेंगे नहीं। सो एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर्टिस्टिक माइंड see things differently in normal world, is this really the perception or opinion जो अलग चीजों को देखने में मजबूर करता है या फिर ये inbuilt होता है? ये तो यार मतलब बड़ा खतरनाक लेवल का सवाल पूछ लिया तूने। अरे क्या 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 पूछा कि मतलब आर्टिस्टिक जो आर्टिस्टिक जो माइंड, हाँ आर्टिस्टिक माइंड जो होता है हम एक चीज को बहुत अलग लेवल पे देखते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें सब कभी टीम में डिस्कशन होती है तो हम कहीं से कहीं ले जाते, लाइक जो हमने शॉर्ट मूवीज बनाई थी, हाँ दो बनाई थी शॉर्ट फिल्म, ठीक है, वो भी कि वहां पे हमने क्या से क्या ले गए चीजों को सोचने का एक तरीका, तो वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे कैसे देख पाता है कि परसेप्शन होता है, ओपिनियन होता है, या क्या इनबिल्ट होता है इंसान के अंदर, या फिर अलग ही कुछ होता है? यार देख पहले तो ना आर्टिस्ट जो डेफिनेशन है ना, पहले आर्टिस्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करता है। आर्टिस्ट होता क्या है? एक होती है आर्ट, एक होता है आर्टिस्ट, आर्ट को बनाने वाला आर्टिस्ट होता है। बड़े सिंपल है, तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है? टोल भी चल रहा है, ये मीम भी चल रहा है काफी। अच्छा अच्छा वो आर्ट आर्टिस्ट वाला, दिस इज भाई बड़ा गना। हाँ तो आर्टिस्ट का क्या रहता है ना कि कुछ ना कुछ क्रिएट करने की एक अर्ज रहती है अंदर से, क्योंकि ज्यादातरों को देखेंगे ना कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कि वो एक्सप्रेस करने के आउटलेट्स अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि कोई पेंटिंग करता है, कोई लिखता है, कोई फोटोग्राफी करता है, कोई गाता है, म्यूजिक बनाता है, कुछ लोगों को ये आउटलेट्स मिल जाते हैं अलग अलग कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। और ये मैं मानता हूँ कि हर किसी के अंदर इच्छा होती है यार, कोई ये मैं कह ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ना इच्छा हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे, कि नहीं है उसके अंदर ये इच्छा, सबके अंदर रहती है। हर कोई चाहता है कि उसको उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को समझा जाए, और उसको जो वो अंदर से चाह रहा है या जो जो जैसे वो देखता है चीजों को, वो अपना नजरिया लोगों के साथ में शेयर कर सके, ठीक है ना। हर कोई चाहता है, कुछ लोगों को वो जरिए मिल जाते वो आर्टिस्ट कहलाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते, वो जिंदगी के उसी ढर्रे में घुस जाते हैं और वैसे ही लाइफ जीते हैं जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि एक वेल सेटल्ड वेल प्लान्ड लाइफ होती है, भाई ये करना है ये करना है, स्कूल कॉलेज जॉब ये, तो वो सेट पैटर्न में एंट्री आपने टेम्पलेट एक चुन लिया, उसमें जाना है, फिर आप एक्सप्रेशन सेल्फ एक्सप्रेशन तो भूल ही जाओ। ये सवाल मुझसे आर्ट एमोर वाले इंटरव्यू में भी लिखा हुआ था वहां पे कि आप आर्ट को कैसे देखते हो, कि मतलब सेल्फ कैसे अपने आप को एक्सप्रेशन होता है आर्टिस्ट लोगों का, तो मैंने वहां पे भी ये जवाब दिया कि एक आर्टिस्ट ट्रू अपने आप से तभी रह पाएगा जब वो अपने अंदर के जो उसके अंदर जो हिंदी में एक वर्ड होता है कौतूहल, कौतूहल ही होता है ना, क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी, एक तो कौतूहल कुछ है मतलब क्यूरियोसिटी, प्योर जो तूने वर्ड बोला है ना वो प्योर हिंदी में है। हाँ कौतूहल मुझे क्यूरियोसिटी होता है, कौतूहल भी है, कौतूहल होता है शायद। हाँ तो मतलब क्यूरियोसिटी, हाँ हाँ अंग्रेजी में मतलब है क्यूरियोसिटी, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी आपने जिंदा रखी है और फिर आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कर पा रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस सही तरीके से,
ठीक है, तो आप फिर अलग अलग मीडियम्स ढूंढते हो, अलग अलग मीडियम्स ढूंढते हो आपके, जैसे कि अब मैं मान ले एक नाइव बंदा हूँ कि मेरे को, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को सडनली मैंने देखा कि यार अपने देश में ना पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है यार, बहुत कुछ, हाँ कौतूहल, उत्सुकता, वही होता है, सही बोल रहा था मैं, क्यूरियोसिटी, लाइक सुजाता शर्मा के लिए धन्यवाद। तो अब जैसे कि मान ले मैं एक नाइव बंदा हूँ, मुझे, मैं आर्टिस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं अपने आप को, तो मैंने सडनली देखा कि यार मेरे अराउंड कुछ चीजें चल रही, पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ सुना जा रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं या लोग एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब मेरे को पता है कि मैं उस चीज को कैसे देख रहा हूँ, मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ, या मैं कुछ फील कर रहा हूँ किसी चीज के बारे में। मैं कहीं पहाड़ों में घूमने गया, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पहाड़ों में घूमने गया, मैं कहीं पे लेंसडाउन गया, मैं लेंसडाउन में बैठा हुआ पहाड़ों में, धुंध चल रही है सामने, मतलब पिक्चराइजेशन देख तू मेरा, मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ कि मैं सामने वाले को इमेजिन, हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ कि मैं इमेजिन करवा दूंगा सामने वाले को पूरा सिनेरियो, पिक्चर एकदम उसके सामने। अब इमेजिन कर दू तो पहाड़ पे लेंस डाउन में टिप एंड टॉप पॉइंट है, वहां पे बैठा हुआ है, सामने पहाड़ है, लंबे लंबे, बर्फ भी लगी हुई है उन पे, धुंध चल रही है, ऐसे ऐसे फॉग आ रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, बिल्कुल शांत जगह है, कोई आसपास नहीं है, वहां बैठा हुआ है। अब इमेजिन कर, अब वहां पे सडनली पहुंच गया ना भाई, मैं वही पहुंच गया, मैं बैठ गया, काम काम हो गया। तो अब मान लो बैठे हुए हैं वहां पे, बैठे हुए, अब ऐसी जगहों में जाकर के ना सडनली हमारा दिमाग चलता है, हम चीजों को देखते हैं। अब शोरगुल वाली सिचुएशन में चलता है, तेज चलता है, चलता है, तेज चलता है और शार्प होता है। फिर क्या होता है ना, मैं तेरे को बताता हूँ एग्जैक्टली कि होता क्या है, मैंने बहुत अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया और खुद से वो किया। जब हम बहुत तेज तेज जिंदगी में चल रहे हैं, फास्ट पेस जिंदगी है शहरों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वहां पे क्या है ना कि छोटी छोटी चीजें, जिन्हें अंग्रेजी में वर्ड होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल चीजें जो कि मतलब मामूली चीजें हैं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती ऐसा हमें लगता है, उनको हम देखते हैं और निकल जाते हैं आगे, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन सडनली जब हम ऐसी जगह में जाते हैं ना, जो मैंने अभी दृश्य बताया, वहां पे क्या होता है, एक पहाड़ की चोटी को भी अगर हम देख रहे हैं, तो अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि यार, मतलब हम कुछ सोचते हैं यार कैसा है यार, ये पंछी उड़ रहे हैं यार, ये कैसे जा रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये सोच भी रहे होंगे कुछ, कैसे बने, काइंड ऑफ, हाँ, तो बेसिकली हम सोचते हैं उस चीज में, उसे कहते हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा है, ठीक है, विचार चल रहे हैं। वहां पे रेट्रोस्पेक्शन भी आता है कि हम रेट्रोस्पेक्ट में पीछे की कोई चीज सोच रहे हैं, या इंट्रोस्पेक्शन भी आता है कि हम अपने आप को ही कुछ देख रहे हैं। फिर ऐसे में हमने अगर किसी चीज को अनुभव किया, तो हमारे अंदर सबसे पहले यह जाती है कि हम यार इसको शेयर करें, ठीक है ना। अब मैं तेरे को बताता हूँ होता क्या एग्जैक्टली। अब हम शेयर करना चाहते हैं, मैं नाइव बंदा हूँ, मुझे, मैं आर्टिस्ट नहीं, तो मैं अपने अंदर ही देखूंगा कि यार मैं कैसे इसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, कैसे बता पाऊँ लोगों को कि मैंने क्या देखा था और मैंने क्या अनुभव किया था बेसिकली। तो एक पेंटर होगा, वो क्या करेगा, वो उस दृश्य की पेंटिंग बनाएगा कि मैंने ऐसा देखा था। एक फोटोग्राफर क्या करेगा, फट से अपना कैमरा निकालेगा, शूट करेगा, उसके लिए ज्यादा आसान है कैप्चर इमेज लेना, वो उसके लिए आसान है ज्यादा, पेंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, फोटोग्राफर के लिए आसान, वो शूट करेगा कि मैंने ये देखा था। अब वहां पे एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि जिसका आर्टिक एंडेवर है कि वो राइटिंग के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, फॉर एग्जाम्पल तू है, तो अब तू जो है क्या करेगा कि तू उसको शब्दों में उतारेगा, तूने शब्दों में उतार दिया। तो ये अलग अलग हमारे मीडियम्स है कि हम अलग अलग मीडियम आउटलेट्स आउटलेट्स चुनते हैं। एक ने लिख के बताया कि मैंने क्या अनुभव किया, एक ने देख के बताया मैंने क्या अनुभव किया, दूसरे ने फोटो खींच ली उसके थ्रू बताया, और भी बाकी अलग अलग चीजें होती होंगी, तो होती होंगी, स्टोरी टेलिंग होती है, तो किसी ने स्टोरी टेलिंग के मीडियम से बताया कि भाई ऐसा 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 हो रहा था, मैं वो रस्ते पे गया था, उस वहां तक पहुंचते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये देखा, ये दुकान थी, ये था, ये बूढ़े बाबा वहां देखे थे, पूरी कहानी, ठीक है ना। तो ये होता है, अब ये हर किसी में होता है, कुछ लोग हैं जो कि उस अर्ज को दबा देते हैं एक सेट टेम्पलेट में रहने के लिए, दबा देते हैं बिल्कुल, नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो बागी होते हैं, ठीक है ना, जो कहते हैं कि नहीं भाई हम जी नहीं पाएंगे, बेसिकली खत्म हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं खत्म हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, मेरे को करना ही है एक्सप्रेस, मैं करूंगा। बहुत होते हैं एक ही मीडियम पे करते हैं, बहुत होते हैं जो मल्टी डायमेंशनली करते हैं कि वो फोटो भी खींच लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अब मैं बेसिकली अपनी बात कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं जो अलग अलग, अब कुछ लोग, मैं किसी को जानता हूँ, वो क्या है कि वो लिखती भी अच्छा है, कोई लड़की है वो लिखती भी अच्छा है, फोटोग्राफर है,
और प्लस पेंटिंग उनकी खतरनाक लेवल की है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पेंटिंग में मुझे ना दो पेंटिंग आती है, मैंने पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, दो पेंटिंग आती है, कुछ बनाना ड्रॉ करना, दो चीजें। एक आता है पेड़ बनाना, जो पेड़ हमने बचपन में ड्रॉइंग में सीखा था, वो ऐसे ऐसे किया, फिर यूं यूं उसके लट्टे बनाई, पेड़ बनाना। और दूसरा आता है सीनरी बनाना, वो तुझे पता होगा कौन सी सीनरी होती है, वो बचपन से वही सीनरी है जो कभी नहीं बदली, रियलिटी में कभी नहीं बदली, वो एक पहाड़ बीच में से नदी घर यहाँ पे भाई मुझे नेम है। बचपन में ना ड्राइंग के सब्जेक्ट में क्लास में पिटा हो, वो भी प्रिंसिपल से, क्योंकि मैं कलर करके नहीं ले गया था इसी पेंटिंग में। हाँ, और मेरा ये था कि जब भी कुछ पेंटिंग का सीनरी का आता था ना, कि जब भी चॉइस आ जाती थी कुछ बनाओ, तो मैंने सीनरी बना दी थी, और यही सीनरी होती थी, ऐसे ऐसे पहाड़ बनाए, एक ऐसे सूरज बनाया, सूरज की ऐसे रेस बनाई, एक हट होगी जो ऐसे करके होगी, उसमें एक खिड़की होगी, एक दरवाजा होगा, एक ऐसे खिड़की होगी, एक ही खिड़की होगी, एक नदी जारी होगी, और दो चार ऐसे ऐसे करके वी शेप में पंछी होंगे, पंछी होंगे, पंछी उड़ रहे, ऐसा है मेरी पेंटिंग का। लेकिन मैं जिस लड़की की बात बता रहा हूँ, जिस लेडी की बात बता रहा हूँ, वो तीनों फॉर्मेट में, अरे भाई वो भी है, फोटोग्राफी पेंटिंग भी, मैं जो भी तो पेंटर की बात कर रहा है, जो भी कुछ हैं बहुत खतरनाक अलग ही लेवल के होते हैं, कि मतलब और कुछ ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मैंने किसी का पढ़ रहा था यार, कोई बहुत फेमस पेंटर है यार पुराने, उनकी पेंटिंग बहुत, दा विंची पुराने, लियोनार्डो दा विंची नाम है शायद, लियोनार्डो दा विंची, एक मिनट रुक जाए यार, मैं गलत नहीं बोलना, वही है, एक बार वही है, लियोनार्डो डिकैप्रियो तो हॉलीवुड एक्टर हो गया वो तो गजब है भाई। हाँ, अब लियोनार्डो दा विंची मैंने डाला ना यहाँ पे, लिखा हुआ है कि वो पेंटर भी थे, ड्रॉट्समैन थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, स्कल्पचर थे, आर्किटेक्ट थे। अब तू लगा ले वो किस लेवल का उनका आर्टिस्टिक एंडेवर था, कि वो कहाँ जाकर के सोचते थे, बंदा पेंटिंग भी कर रहा है, लिख भी रहा है, स्कल्पचर भी बना रहा है, आर्किटेक्चर भी है, आर्किटेक्ट भी है, अलग अलग मीडियम से कर रहा है। तो अब बाकी उसी क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से, कौन सा क्वेश्चन था कि कैसे देखता है, तो अब देखता क्या है, अब देखने पे आते हैं कि नजरिया का क्या है। सबसे पहले होता है कि परसेप्शन की तुमने जैसे बात की थी, तो परसेप्शन से पहले एक चीज आती है, वो होता है बिलीफ सिस्टम, बिलीफ, कि हम क्या बिलीफ है हमारा, हम क्या मानते हैं, उस बिलीफ से परसेप्शन बनता है। परसेप्शन होता है बेसिकली कि हम किसी भी एक दृश्य को, किसी इंसान इंसान को क्या मीनिंग बना लेते हैं, क्या मीनिंग कर लेते हैं, ओपिनियन क्रिएट करना, क्या कैसे देखते हैं, परसेप्शन होता है। परसेप्शन से फिर फर्दर अगर आगे जाए, परसेप्शन से बनता है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि मैं मानता हूँ कि एक्स एक्स काम करने वाले लोग अच्छे होते हैं, मेरा बिलीफ है, बिलीफ से मेरा एक परसेप्शन बन गया कि मैं जैसे इसी चीज को देखूंगा मैं ऐसा फील करूंगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, उस परसेप्शन से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फर्दर बन गया, भाई ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट का क्या है कि वो हर चीज में ऐसे देखता है कि मैं एक्सप्रेस कैसे कर सकूं खुद को, और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि वो अपने आप को सबसे ट्रूएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, सेल्फ एक्सप्रेशन जो वर्ड है, राइट वर्ड वो ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन इस तरीके का हो कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रह करके जो फील कर रहे हो उसको आप उतार सको, पेपर पे उतारना है पेपर पे उतारो, कैनवस पे उतारना है कैनवस पे उतारो, फोटोग्राफ में उतारना है फोटोग्राफ पे उतारो, म्यूजिक में उतार दो, उतार दो, शेयर कर दो, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, और आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अकलमंद लोगों ने जो गंद फैला हुआ है ना हर जगह, उससे ज्यादा बेटर से ज्यादा जरूरी है कि आर्टिस्ट एक लाइन थी, एवरीवन इज अ आर्टिस्ट, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो पाता, ठीक है। आज के टाइम पे एवरीवन इज सक्सेसफुल पर आर्टिस्ट कोई नहीं हो पाता, दोनों अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग चीजें हो गई है। आजकल के लोग सक्सेसफुल है पर वो आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब तुमने पूछेगा तुम क्या है, किसी के गानों पे इफ यू आर क्रिएटिंग रील, तो बनाया तो किसी और ने है ना गाना, पार्टों अलग है, कुछ चीजें कुछ को है, कुछ इलॉजिकल सोच चल जाते हैं आजकल, इलॉजिकल क्या बताऊं, कॉन्सेप्ट
अलग ही लेवल के भाई, अलग डेडली कॉम्बो भाई साहब जो है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि फिर ऐसा जो करते हैं वो अपने आप को आर्टिस्ट भी कहते हैं। हाँ मैंने देखा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का मतलब होता है, आर्टिस्ट का क्लियर का डेफिनेशन है कि वो बंदा जो कि आर्ट को क्रिएट करता है अलग अलग मीडियम्स के थ्रू। तो भाई आप कौन सी आर्ट क्रिएट कर रहे हो? म्यूजिक किसी और ने बना रखा है, गाना जो एक तू एक तू एक इंसान है, तू आर्टिस्ट है, तू फोटोग्राफी वगैरह करता है, लेकिन तू अपने मुंह से ये कहने में भी कर डरेगा कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, सिनेमेटोग्राफर, आई एम एन आर्टिस्ट। सही कह रहा है, ठीक है, जो रियलिटी में उतर जो रियलिटी में उतर के कर रहा होगा वो हमेशा डाउटफुल रहेगा। वैसे भी तेरा काम तेरी पहचान होना चाहिए, तेरी पहचान तेरा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तेरी काम से पहचान बनी, एक लेवल के बाद तेरी पहचान हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में यू आर एन आर्टिस्ट नॉट मेकिंग इट सीन। तो जाते जाते एक पोएट्री क्यों ना हो जाए विपिन बलोनी साहब, जाते जाते कोई भी एक पोएट्री जल्दी सुना दे। फोन की बैटरी लो हो गई अचानक। ओ भाई चल, हाँ लास्ट 11% बची है, पता नहीं कैसे हो गए, मुझे नहीं पता यार। तो मेरे को ना वैसे ऐसे याद नहीं रहती, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ। अब नोट्स में है, कोई भी नोट्स नोट्स यूज करता है ना तू? मैं नोट्स, नोट पैड, डायरी, इंस्टेंटली कुछ भी, मतलब पता नहीं कितने तो कोट हैं जो मैंने कहाँ कहाँ लिखा। मैं अपने कोटों को रीअरेंज करने बैठूंगा एक डायरी के अंदर, ठीक है ना? बोल बोल। हाँ तो ये तूने तो सुनी होगी खैर, तो ये मैं ऐसे घर पे बैठा हुआ था, पहले कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। तो इमेजिन कर रहा था बस अपने पुराने ट्रैवल लॉकडाउन में बैठ करके, तो उसके ऊपर मैंने लिखी थी, वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे शेयर किया था। तो ऐसे है, सुनो। खुला आसमान है, खुला आसमान है, फिर एक सुबह है, ख्वाबों सा मंजर, हंसी एक समान है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घर भी तो है, गहरी है नदियां, शहर भी तो है, सब कुछ रुका एक पहर में, यहाँ गाते हैं पंछी, ठहर भी तो है। खुला आसमां है, फिर एक सुबह है, ख्वाबों सा मंजर, हंसी एक समान है, ढूंढे शहर में हमें क्यों भला, पंछी हैं हम, एक घर ही कहाँ है, उड़ते हैं बेफिक्र से हम जहां में, यहाँ आज है तो कल फिर वहां है, राहों के राही, नजारों के आशिक, ट्रेनों बसों से एक वाबस्ता है, हम हैं अकेले, सफर साथ चल, जेबे हैं खाली, भरा बस्ता है, खुला आसमां है, फिर एक सुबह है, ख्वाबों सा मंजर, हंसी एक समा है। वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आर राइटर, सिनेमेटोग्राफर एंड फोटोग्राफर मिस्टर विपिन बलोनी। बहुत बहुत मिल लो, अभी फोटो वोटो किसी को खिंचानी हो तो आगे जाके तो लाइन में लगना पड़ेगा सबको। अरे भाई ऐसा लग होता है, मिल ले मिल लो। अरे होगा, वही तो करने बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो भाग रहा हूँ सपनों के पीछे, बिल्कुल भाग रहा हूँ सपनों के पीछे, रोज गिर के उठ जाता हूँ, भाग रहा हूँ सपनों के पीछे, रोज गिर के उठ जाता हूँ, कहीं खो ना जाऊं लंबी रातों में, इसलिए आजकल मैं कहाँ सो पाता हूँ। अरे भाई तो इसी के साथ हम अपना अंत करेंगे आज का, तो चलते हैं जल्द अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद तुझे भी और बाकी भी लोग, कैप्चर क्रू, थैंक यू सो मच, सुजाता शर्मा हमारी प्राइम ऑडियंस, प्राइम मेंबर, और बाकी तो कोई धन्यवाद, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं भाई फिर, ठीक है, बाय बाय बाय।